देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है धर्मनगरी वृंदावन से। जी हां, धर्मनगरी वृंदावन से ये खबर वहां के केंद्र बिंदु से आ रही है और वृंदावन के केंद्र बिंदु बिहारी जी के अलावा कौन हो सकते हैं। बिहारी जी मंदिर में आज ऐसा वाक्या हुआ है जो नहीं होना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए हम समझते हैं सीधे सीधे हमें विकास जी की ओर ही रुख करना चाहिए। हमारे साथी विकास अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आज ठाकुर श्री बिहारी जी, श्री बांके बिहारी जी के दरबार में आज ये क्या हो गया है, ये क्या तस्वीरें चल रही हैं, तैर रही हैं सोशल मीडिया पर? योगी जी, आपको बता दूं कि एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि सुरक्षा गार्डों के बीच और गोस्वामी समाज के कुछ लोग हैं, उसमें उनके बीच मारपीट की घटना हो रही है आपस में, और कुछ उसमें शायद श्रद्धालु भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक ये ऐसा अहम बिंदु है कि जहाँ से ऐसी सूचना नहीं आनी चाहिए कि यहाँ से ये एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग आस्था लेके आते हैं, वहाँ से इस तरह की घटना का आना या किसी वीडियो का वायरल होना अपने आप में एक दुखद है। लेकिन आज दोपहर में जब ठाकुर जी का भोग आने का समय हुआ था तो उस समय बताया जा रहा है कि एक बच्ची थी, वो दर्शन करने के लिए अंदर जा रही थी 4 नंबर गेट से, वो तो किसी गोस्वामी समाज के व्यक्ति की बच्ची थी, तो उसको लेकर वहां से विवाद शुरू हुआ था गार्ड के द्वारा। एक महिला गार्ड थी जिसने उसे रोकना चाहा और उसके द्वारा जब वहां मना किया गया था उसके मैनेजर द्वारा, या जिस तरह से उसे बताया जा रहा है कि वहां से कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, और फिर उसको जब रोकना चाहा तो वहां से ये विवाद शुरू हुआ। कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों में इतना विवाद हो गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। फिर उसके बाद जब दोनों गोस्वामी समाज में और गार्डों में और मैनेजर में एक वार्तालाप हुई, जहां बैठकर बातचीत हुई सभी के बीच कि इसको कैसे सुलझाया जाए मैटर को, फिर जो एरिया मैनेजर है G4 जो सिक्योरिटी एजेंसी वहां काम करती है, उसके G4 एक्ट के जो सिक्योरिटी जो एरिया मैनेजर है, उन्होंने एक माफीनामा भी दिया है लिखकर कि आगे से इस तरह की गलती हमारे गार्डों के द्वारा नहीं की जाएगी। जी 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 जी, और बिल्कुल दरअसल विकास जी ऐसा है कि ये जो हमारे आस्था के केंद्र स्थल हैं बिहारी जी, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वे शांति के लिए आते हैं, क्रांति के लिए नहीं आते हैं। तो उनके साथ जो भी श्रद्धालु जो भी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं वे बेहद शांत चित्त से व्यवहार करें और किसी भी तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार तो बिल्कुल न करें, कदापि न करें। सदव्यवहार जितना अधिकतम कर सकें वे करें, जिससे कि श्रद्धालु उनके प्रति, अब श्रद्धालु अपना इतना भाव रखते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वे ये मानते हैं कि ठाकुर जी की सेवा के जो लोग हैं वे भी उनके लिए ठाकुर जी से कमतर नहीं है, तो अपने ठाकुरत्व को सेवा में लगे हुए लोगों को भी बचाना होगा और उन्हें सदव्यवहार करना होगा। और इस समय स्थितियां कोरोना की चल रही हैं, क्या कहेंगे आप विकास जी श्रद्धालुओं की? कोरोना की स्थिति बिल्कुल चल रही है, लेकिन अभी नव वर्ष के दौरान इतनी भीड़ रही है मंदिरों में, खास तौर से बांके बिहारी मंदिर में इतनी भीड़ रही है कि पब्लिक को रोक पाना बहुत मुश्किल है पुलिस प्रशासन के लिए, सिक्योरिटी गार्डों के लिए। और आज आप जहां पर हैं, अभी शहर में ही है, वृंदावन में ही है, मुझे आवाज सुनाई दे रही है, क्या वातावरण है वृंदावन का? पीछे आवाज भी आ रही है पक्षियों की। जी, इस समय बारिश का माहौल है, बारिश हो रही है काफी देर से यहाँ, रिमझिम कभी कभी बीच में तेजी हो जाती है जी। और बाकी यातायात भी थोड़ा सा रुका हुआ है जी, और जहां के तहां लोग रुके हुए हैं।
चलिए विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ही हमारे साथ वृंदावन से रहे विकास जी अग्रवाल, जिन्होंने आज की घटना के बारे में जानकारी दी कि आज वहां पर एक मारपीट की घटना हो गई जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं।